केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और उन्हें कामयाब करने के लिए ग्राम स्वराज अभियान सबका साथ सबका विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री हिमाचल जयराम ठाकुर ने सोलन में किया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देना है, गरीब परिवारों तक पहुँच कायम करना है, साथ ही केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों से वंचित रह गए सभी लोगों को उनके दायरे में लाकर लाभान्वित करना है। इस अभियान में केंद्र सरकार की करीबन 7 योजनाओं को सफल बनाने के लिए जिला खंड पंचायत स्तर पर 8 आयोजन किए जाएंगे। इस अभियान का 5 मई को आजीविका दिवस पर समापन होगा। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम स्वराज योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें केंद्र सरकार की योजनाओं को न केवल जनता तक पहुंचाना है बल्कि उन योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचे ये सुनिश्चित करना है। राकेश कंवर ने बताया कि इस योजना के साथ साथ एक अन्य अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों के 93 गांवों में चलाई जा रही केंद्र सरकार की 7 योजनाओं को 100% लागू किया जाएगा, जिसमें मुख्य उजाला योजना, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसमें विभिन्न मंत्रालय और विभाग इन योजनाओं को सफल बनाने के लिए सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि इस अभियान का समापन मुख्यमंत्री हिमाचल जयराम ठाकुर 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के मौके पर मंडी में करेंगे। पूरे देश भर में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा मिलकर ग्राम स्वराज अभियान प्रारंभ किया गया है, जो कि अम्बेडकर जयंती के अवसर पर शुरू हुआ है पूरे देश में और ये 5 मई तक चलेगा। इसमें पूरे देश में और हिमाचल प्रदेश में भी प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, पंचायत स्तर पर, खंड स्तर पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें 8 आयोजन किए जाएंगे। इसमें साथ ही ये भी तय किया गया है कि हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में 93 ऐसे गांव हैं जिसमें केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही 7 योजनाओं को 100% लागू किया जाएगा, जिसमें उज्ज्वला योजना है, उजाला योजना है, जनधन योजना है, उसके अलावा सुरक्षा योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना है, और विभिन्न मंत्रालय और विभाग मिलकर इसमें सहयोग करेंगे। इसके लिए ये बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया है। इसी दौरान 24 अप्रैल को राज्य स्तरीय समारोह मंडी में होगा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित रहेंगे। उस दिन राष्ट्रीय पंचायत दिवस है, तो उसमें पंचायत दिवस का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा।